आप बताइए कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है। कि सबसे कीमती चीज या बल्कि प्राइसलेस है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो समय। कि हम समय का सदुपयोग करें ये जरूरी है, लेकिन उसके साथ ये भी देखें कि अपने जीवन को खुशहाल भी बनाएं। तो हमें सीख ये लेनी है कि असफलता असफलता नहीं है, हम असफलता को हैंडल कर सके। आप सिर्फ ज्ञान से भी पैसा कमा सकते हैं, और सिर्फ पैसा कमा सकते हैं वाली बात छोटी है, अथाह पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना जी से। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंट्रोडक्शन के लिए, और धन्यवाद D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्यार की वजह से हम हमेशा उनके साथ जुड़ते हैं, रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश करते हैं। खुराना जी, आज का सवाल कुछ अजीबोगरीब सा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, क्योंकि जितने लोग होते हैं सभी अलग अलग बताते हैं, जवाब इसका अलग अलग देते हैं। तो आप बताइए कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है। वंदना जी, ये इतना फिलोसफिकल गहरा सवाल है, मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा। देखिए, कहते हैं धन बहुत कीमती है, पैसा कमाना पैसा पेड़ों पे नहीं लगता। इसी तरह से कहते हैं सेहत है तो सब कुछ है, यह जवाब भी होता है। मैं कुछ और कहना चाहूंगा। देखिए, अक्सर हम समय की बात करते हैं तो कहते हैं टाइम इज मनी। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है ये कहना कि टाइम इज मनी। आपका पैसा चला जाए, आप पैसा दोबारा कमा सकते हैं। हम सब जानते हैं अमिताभ बच्चन एक बार दिवालिया हो गए थे, उसके बावजूद आज वो दोबारा बहुत बड़ी हस्ती है। इवन जो अमेरिका के इस वक्त के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, वो दिवालिया हो चुके हैं, आज वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो किसी का पैसा खत्म हो जाए, दिवालिया तक भी हो जाए, तो भी वो पैसा दोबारा कमा सकता है, दोबारा समाज में अपना स्थान बना सकता है। अगर आदमी की सेहत चली जाए तो आज की डेट में सेहत एक परचेजेबल कमोडिटी है। पैसे खर्च के और लाइफस्टाइल बदल करके और अनुशासन करके आप सेहत भी दोबारा वापस पा सकते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों वाले लोग विल पावर के कारण, लाइफस्टाइल बदलने के कारण, अच्छी दवाइयां लेने के कारण ठीक हुए हैं। ऐसे उदाहरण बहुत से हमारे साथ हमारे पास हैं। तो लेकिन जो तीसरी चीज है, समय। समय का कोई काट नहीं है, समय पैसा नहीं है। पैसा तो हम कमा सकते हैं, सेहत भी कमा सकते हैं, समय वापस नहीं आ सकता। जो सेकेंड अभी गुजर गया ये जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा समय रिचार्जेबल नहीं है, पैसा रिचार्जेबल, पैसा आप दोबारा कमा सकते हैं, सेहत आप दोबारा कमा, समय वापस ला ही नहीं सकते। बचपन गुजर गया तो गया, जवानी गई तो गई, और अगर मृत्यु आ गई तो सब कुछ खत्म हो गया। तो समय ऐसी चीज है जिसको हम दोबारा नहीं पा सकते, इसलिए समय की इज्जत करना, समय के दुरुपयोग से बचना, समय को बर्बाद होने से बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपने इतना अच्छा सवाल पूछा जिसका जवाब देते हुए मुझे बहुत खुशी है कि सबसे कीमती चीज या बल्कि प्राइसलेस है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो समय है। खुराना जी, आपने कुछ हद तक तो शंका का समाधान कर दिया, परंतु इसमें आप कुछ और सीख देना चाहेंगे। बिल्कुल सही है कि हम समय का सदुपयोग करें ये जरूरी है, लेकिन उसके साथ ये भी देखें कि अपने जीवन को खुशहाल ही बनाए। तो देखिए, जीवन में दो चीजें जरूरी हैं, खुशी और खुशहाली। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आदमी 10 काम करता है, उनमें से जनरली प्रोपोर्शन ये है, साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि कामों में असफल हो सकता है, 8 काम सिरे ना चढ़े ऐसा संभव है। लेकिन जो 8 काम हुए जिनमें हम सफल नहीं हो सके, उनमें हमें सीख मिलती है कि असफलता के कारण क्या क्या थे। अगर हम विचारवान व्यक्ति हैं, अगर हम निराश नहीं होते, हताश नहीं होते, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो हर असफलता हमारे लिए सफलता की सीढ़ी है। बड़े से बड़ा व्यक्ति जिसे हम सफल देखते हैं, उसके हम संघर्षों की कहानी नहीं देखते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि आज वो स्टेज पर है, आज वो भाषण दे रहा है, आज उसके पास पैसे बहुत हैं, आज वो बहुत अमीर है, लेकिन उससे पहले उसने कितना संघर्ष किया,
अपने आप को कितना रीओरियंट किया, अपने अंदर कितनी नई स्किल्स डाली, उन पर कितना समय लगाया, इस चीज को हम अक्सर नहीं देखते। तो हमें सीख ये लेनी है कि असफलता असफलता नहीं है। हम असफलता को हैंडल कर सकें, असफलता को मैनेज कर सकें, सीढ़ी बनाकर सफलता तक पहुंच सकें, ये सीख आज के लिए जरूरी है। खुराना जी, अभी आपने खुशहाल जीवन जीने की बात कही, तो खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? देखिए, हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजन करने का क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है, हमारी एस्पिरेशन है कि हम जीवन में अमीर हों और सफल हों, हमारे पास ज्यादा धन आए, ज्यादा पैसा आए। एक तरफ तो हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, दूसरी तरफ मैंने देखा है बहुत से लोग अमीरों से ईर्ष्या करते हैं। ये मानते हैं कि जो अमीर हुआ है वो हर हालत में धोखेबाज है, उसने भ्रष्टाचार के थ्रू ही पैसा कमाया है। जबकि अब नॉलेज एरा है, ये नॉलेज का युग है, आप सिर्फ ज्ञान से भी पैसा कमा सकते हैं, और सिर्फ पैसा कमा सकते हैं वाली बात छोटी है, अथाह पैसा कमा सकते हैं, ये आज के जमाने में संभव है। बहुत से लोगों ने प्रूव किया है, और उन फैमिलीज के लोगों ने ये प्रूव किया है जिनकी बैकग्राउंड बहुत हम्बल थी, जिनके परिवार झोपड़ियों तक में रहते थे या मिडिल क्लास फैमिलीज थे, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज थे, वो बहुत सक्सेसफुल हुए, बहुत पैसा कमाया, नॉलेज के बल पर पैसा कमाया। तो चीज ये है कि हम ईर्ष्या भाव रखने के बजाय उनसे प्रेरणा लें कि वो किस तरह से सफल हुए, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए, क्या सीखा, हम उसमें से क्या सीख सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं, किस तरह से हम उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। तो अमीर बनने की कोशिश करनी चाहिए बजाय इसके कि हम अमीरों से जलन करें, सुखी होने की कोशिश करनी चाहिए बजाय इसके कि हम सुखी लोगों से जलन करें, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए बजाय इसके कि हम खुश मिजाज लोगों से जलन करें। तो ईर्ष्या का भाव होने की जगह पे उसमें प्रेरणा का भाव होना चाहिए। अगर प्रेरणा का भाव होगा तो हम खुद भी सफल होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो ये सबसे बड़ी जरूरत है आज के जमाने में कि हम एटीट्यूड को पॉजिटिव करें और ईर्ष्या के भाव को खत्म करें, वो हमें सफल बनाएगा, खुश बनाएगा, खुशहाल बनाएगा। सुखमय जीवन जीने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, ये दौर, आज का दौर थोड़ा सा कठिन दौर है, और इस दौर में हमारे पास बहुत सी नई समस्याएं ऐसी आई हैं जो जीवन में पहले कभी नहीं आई, बहुत से नए चैलेंजेस ऐसे आए हैं, चुनौतियां ऐसी आई हैं जो जीवन में पहले कभी नहीं आई। इसलिए हमें भविष्य के लिए तैयार होना है, ये आज के जमाने की सबसे बड़ी जरूरत है। भविष्य के लिए तैयार होने का क्या मतलब है? हो सकता है आज हमारे पास जो ज्ञान है और जो स्किल है कल को उसकी ही ना रहे, हो सकता है वो ज्ञान ऑब्सोल्यूट हो जाए, हो सकता है नई तकनीक आ जाए वो ज्ञान प्रासंगिक ना रहे। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने फील्ड के ज्ञान के अलावा क्या किसी और फील्ड का ज्ञान भी ले सकते हैं, क्या कुछ और भी ऐसा सीख सकते हैं जो फ्यूचर ओरिएंटेड हो। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जमाना किस तरीके से बदल रहा है, उस बदलाव के कारण क्या है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या हम अपने आप को उस परिणाम के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर हम तैयार करेंगे तो हम सफल होंगे। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बतलाता हूँ, एप्पल कंपनी की बात है जिससे हम ये समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। एप्पल शुरू में कंप्यूटर कंपनी थी जिन्होंने लैपटॉप्स और डेस्कटॉप लॉन्च किए, बाद में एप्पल ने मोबाइल फोन लॉन्च कर दिए, तो वो एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री थी जहां वो गए, तो कंप्यूटर कंपनी से वो मोबाइल फोन निर्माता कंपनी भी बन गई। अब उसके बाद उन्होंने आईपॉड लॉन्च किया, म्यूजिक दे दिया दुनिया को, तो आईपॉड बिल्कुल एक अलग चीज थी, कहां कंप्यूटर, कहां फोन और कहां म्यूजिक इंडस्ट्री, वो म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्होंने प्रवेश किया, तो वो उनका एक तीसरा सफलता का चरण था। अब आईपॉड के बाद उन्होंने आईपैड निकाला, आईपैड अपने आप में एक बिल्कुल नई चीज थी। अब आप और हम जानते हैं पुराने लोग के पहले हम सीडीज खरीदते थे, सीडी का मतलब होता था उसमें हमें मान लीजिए 50 गाने हैं, 40 गाने हैं, 30 गाने, हमें 4 पसंद आए, बाकी 26 पसंद नहीं है तो भी हमें खरीदनी पड़ती थी। तो अब उन्होंने जो नई चीज की वो आईट्यून की, आईट्यून पेश करने का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि दर्शक और श्रोता
अपने पसंद का एक अकेला गीत भी चुन सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नई नई सोच, नई नई इन्वेंशन के तरीके से उन्होंने नए क्षेत्र में प्रवेश किया। इसी तरह से किसी पुराने प्रोडक्ट का नए तरीके से प्रयोग करना, वो भी अपने आप में एक सफलता का कारण बनता है, इमेजिनेशन का कारण बनता है, जो हमें अपने जीवन में सीखना चाहिए। मैं उसका उदाहरण देता हूँ, डेटॉल का। डेटॉल का यूज ये होता था, अगर आपको चोट लग गई तो डेटॉल से आपने साफ कर दिया ताकि डिसइंफेक्ट हो जाए। तो डेटॉल ने ये देखा, उसके कारण उनकी सेल स्टैग्नेट हो गई, आगे नहीं बढ़ रही। तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि आपका छोटा बच्चा फर्श पर रेंगता है, क्रॉल करता है, तो फर्श में जर्म्स हो सकते हैं। फर्श में जब पोछा लगाएं उसमें डेटॉल की बूंदें डाल दें, जब आप नहाएं तो उसमें डेटॉल की कुछ बूंदें डाल दें। तो ये एक नया उपयोग था पुराने प्रोडक्ट का, उससे उनकी सेल और बढ़ी। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे पास जो साधन आज है, जो स्किल आज है, उसको हम नए तरीके से कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसका नया रुख क्या दे सकते हैं ताकि हम जीवन में सफल हों, यही मैं चीज कहना चाहूंगा। खुराना जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वंदना जी, और फिर एक बार मैं आपके माध्यम से D5 हिंदी चैनल के दर्शकों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिनकी प्रेम की वजह से हम हमेशा जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।